हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं राजन रहेजा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ NIE मींस न्यूज़ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूँ, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है साइंस चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। आपको बता दूँ कि यह क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है पिछले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। इसमें हमें बताना है कि मैग्नीशियम रिबर को जलाने से पहले क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से, क्यों? इसके ऑप्शंस हैं, ए मेक द रिबन सरफेस शाइनर, बी रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, सी रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, या डी रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। फ्रेंड्स, मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लेना और अपना आंसर सिलेक्ट करना, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए और पता लगाइए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानते हैं। इसका आंसर है सी, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर से मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्लीन किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन डेट इज। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ए मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बी बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, सी डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टमक, या डी रिपनिंग ऑफ बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आंसर को जानते हैं। और इसका आंसर है ए मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, और ये कौन सा लॉ सेटिस्फाई करता है? इसके ऑप्शन देखें तो इसके ऑप्शन है, ए कंजर्वेशन ऑफ मोशन, बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या डी कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है फैट और फूड आइटम को स्टोर करने के लिए लंबे समय तक? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी ऑक्सीजन गैस, या डी नियोन गैस। तो इसके आंसर के बारे में जानते हैं, इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल किया जाता है फूड और फैट को स्टोर करने के लिए
लंबे समय तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन थ्री ऑक्साइड एंड अ मेटल एक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक हेयर एक्स इज। इसमें हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन ऑक्साइड और एक मेटल की एक्स जो कि यूज की जाती है वेल्डिंग के लिए रेल ट्रैक्स को, यहाँ पर एक्स क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शन है ए कॉपर ग्रेन्यूम्स, बी मैग्नीशियम रिबन, सी सोडियम पैलेट्स, डी एल्युमिनियम डस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आंसर को जानते हैं। और इसका आंसर है डी एल्युमिनियम डस्ट। एल्युमिनियम डस्ट और आयरन ऑक्साइड की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज की जाती है वेल्डिंग करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। इसमें हमें बताना है न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड और बेस किस तरह के टाइप्स हैं। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी एडिशन रिएक्शन या डी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आंसर के बारे में जानते हैं। और इसका आंसर है ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ। इसमें हमें बताना है रस्टिंग आयरन की इन्वॉल्व होती है किस केमिकल रिएक्शन में जब कॉम्बिनेशन होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डी बी ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डी ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आंसर के बारे में जानते हैं। और इसका आंसर है बी ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट पार्टिसिपेंट्स फॉर्मेट आर। इसमें हमें बताना है जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की रिएक्शन कराई गई तो एक व्हाइट कलर का कंपोनेंट या कहें पार्टिसिपेंट्स निकला, वो क्या होता है। ए हाइड्रोलिक एसिड, बी बेरियम सल्फेट या सी क्लोराइड या डी सल्फर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आंसर को जानते हैं। और इसका आंसर है बी बेरियम सल्फेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सकें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।